वेलकम एवरी वन। आज द एडवेंचर ऑफ टोटो इस चैप्टर के लिए हम वन लाइनर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, हु वाज टोटो। इसमें ए प्रेटी मॉन्की जो है सही जवाब है। तो यहाँ पर बंदर था जिसके बारे में यह चैप्टर है। उसके बाद प्रश्न आता है, व्हाट इज़ दिस स्टोरी अबाउट। यह स्टोरी किसके बारे में है। यह एक नटखट बंदर है टोटो, उसके बारे में है। तो सही जवाब जो है, फिर से क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। मंकी को कहाँ से ख़रीदा था। तो उन्होंने टोंगा ड्राइवर से उसे ख़रीदा था। क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द प्राइस दैट ग्रैंडफादर पेड टू बाय द मंकी। कितने रुपए में उसे ख़रीदा गया था। ओनली 5 रुपीज़ में उसे ख़रीदा गया था। वाई डिड ग्रैंडफादर बाय द मंकी। उसे क्यों ख़रीदा था ग्रैंडफादर ने। इसलिए ख़रीदे था कि टू ऐड टू द कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इन जू एट हिज होम। अपने घर का जो जू है उसमें काफ़ी सारे एनिमल्स हो जाएं, इसलिए बंदर को ख़रीदा गया था। क्वेश्चन है, वाई वाज टोटो केप्ट सीक्रेटली। उसे सीक्रेटली क्यों रखा गया था। तो बिकॉज ही वाज नॉटी, क्योंकि वो बड़ा शैतान था, नटखट था, इसलिए उसे सीक्रेटली रखा गया था। क्वेश्चन आता है, वेयर वाज टोटो केप्ट। टोटो को कहाँ रखा गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही है, उसे कबर्ड में रखा गया था। क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड टोटो लाइक टू टेक ए बाथ इन। यहाँ पर सही जवाब है वार्म वाटर। वह गर्म पानी से नहाया करता था। फिर से क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक टू हिज फर्स्ट ओनर। उसके फर्स्ट ओनर को ही वापस क्यों बेच दिया उसे। क्योंकि दे वर नॉट वेल टू डू एंड वर अनएबल टू एफोर्ड मिसचीवियस टोटो। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही है, बड़ा शैतान था और वो जो थे उसका देखभाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वापस पुराने सेलर को बेच दिया था। प्रश्न है, एट व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक इट्स फर्स्ट ओनर। यहाँ पर सही जवाब है ₹3, यानी कि ऑप्शन डी, ये सही जवाब है। फिर से क्वेश्चन आता है कि वाई डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो अलोंग विद हिम एट सहारनपुर। सहारनपुर से क्यों ले गए अपने साथ। तो बिकॉज ही वाज मिसचीवियस सो टू गिव रिलीफ टू अदर एनिमल्स। वो इसे साथ ले गई कि बड़ा शैतान था और जो एनिमल्स हैं उन्हें परेशान ना करे, इसलिए अपने साथ ले गए थे। तो सही जवाब है। फिर से क्वेश्चन है, हु हैड टॉट टोटो टू टेक ए बाथ। टोटो को नहाना किसने सिखाया था। तो राइटर ने, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम। राइटर के घर पर टोटो ने कौन कौन सा सामान तोड़ा था। तो उसने सारी चीज़ें तोड़ी थी, वॉलपेपर्स, क्लोथ्स, कर्टेंस, डिशेस, ये तीनों चीज़ें हैं उसने तोड़ी थी। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न आता है, व्हाट वाज द कलर ऑफ टोटो द मंकी। टोटो का कलर कैसा था। तो उसका कलर रेड था। क्वेश्चन आता है, हु यूज़ टू गिव ए बाउल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो। गर्म पानी का प्याला टोटो को कौन देता था। ग्रैंड मदर, दादी माँ उसे दिया करती थी। वाई वाज टोटो कॉल्ड प्रेटी। टोटो को प्रेटी क्यों कहा जाता था। क्योंकि वो बिकॉज ऑफ शाइनिंग मिस्चीवियस आइज, उसकी आँखें थी शैतानी भरी, उसका लाल रंग था और उसके सफ़ेद दांत थे। तीनों ही बातें थी, इसलिए उसे प्रेटी कहा जाता था। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर कॉल टोटो ए डॉग। टिकट कलेक्टर ने उसे डॉग क्यों कहा। टू फिक्स फेयर, किराया फिक्स करने के लिए।
क्वेश्चन है, हाउ डिड टोटो टेक द वार्मथ ऑफ द वाटर? बाय पुटिंग हिज हैंड इन इट. अपने हाथ गर्म पानी में वो रखता था, तब उसको उसे पता चल जाता था कि पानी कितना गर्म है. क्वेश्चन है, हाउ डिड द टिकट कलेक्टर फिक्स द फेयर टू फॉर टोटो? टोटो के लिए टिकट कलेक्टर ने कितना किराया फिक्स किया, कैसे किराया फिक्स किया? तो बाय फॉलोइंग हिज रूल बुक. अपनी रूल बुक जो थी उसको फॉलो करते हुए उसने किराया फिक्स किया था. ऑप्शन डी. क्वेश्चन है, द अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू वर एट हूज मर्सी? जो और एनिमल थे फादर के प्राइवेट जू में, दादाजी के प्राइवेट जू में, वो किसकी मर्सी पर निर्भर थे, किसकी दया पर रहते थे? तो टोटोज मर्सी, यानी टोटो की दया पर वो रहा करते थे. आज ये द एडवेंचर्स ऑफ टोटो वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया. इसमें आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, और किसी चैप्टर के आपको ऑनलाइनर्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.